पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की फीस ना आने कारण विद्यार्थियों की डिग्री प्राइवेट कॉलेज अटक गई है। इस संबंध जलंधर च रहने वाली विद्यार्थन किरण ने दसा कि बीकॉम की डिग्री लेने लिए जब वह कॉलेज के प्रिंसीपल नूं मिली तो उन्होंने स्कॉलरशिप फीस ना मिलने के कारण डिग्री देने तो मना कर दिता। की नाम है तुहाडा? किरण। केड़ी क्लास च? मैं पास आउट आ बीकॉम। एक की गल की हुई है सर, मैं सर्टिफिकेट्स लेनी सी, हायर स्टडीज के लिए अप्लाई करना सी, तो कॉलेज वाले मैं दे नहीं रहे ना डिग्री ना डीएम फीस। अच्छा जी, तो इस बारे किसी प्रिंसीपल ना या किसी ना गलबात हुई सी तुहाडे पर? हाँ जी सर, मेरी गल हुई सी प्रिंसीपल सर। अच्छा जी, उन्होंने की किया? सर वो भी कह रहे सी भी वो भी इंप्लॉय है, उन्होंने हाथ में कुछ नहीं है, गवर्नमेंट वालों आऊगी फीस तो नहीं पॉसिबल होगा। तो तुहाडे को पैसे भी मंगे गए कोई? हाँ जी, फीस दे। कितनी फीस मंगी गई? 60,000 पर ईयर की सर। अच्छा, तो हूँ तो ही किन्ना नु मिले हो? असि पवन कुमार टीनू सर ना मिले हैं, उन्होंने साड़ी हेल्प की है, डीसी सर ना भी गल की इस बारे। ठीक है। उत्थे ही दूजे पासे हलका विधायक पवन कुमार टीनू का कहना है कि पंजाब सरकार की नलायकी के कारण कई विद्यार्थियों नूं प्राइवेट कॉलेजों वालों डिग्री नहीं दी जा रही। उन्होंने पंजाब सरकार तो मांग की है कि वह कॉलेजों नूं स्कॉलरशिप फीस दे के विद्यार्थियों नूं डिग्रियां मुहैया करवाण। हाँ सर, एक मामला की है कि लड़की अज बेटी है किरण, डैडी अशोक कुमार है, पिंड मुरादपुर आदमपुर तो। ये लड़की ने 2019 बी कॉम की डिग्री जी वो जलंधर किसी प्राइवेट कॉलेज तो की है, तो वो इनू हूँ पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की फीस पंजाब सरकार ने नहीं दी, कॉलेज नूं नहीं अगे जमा कराई, तो कॉलेज वाले ये को फीस मंगते हैं जो कि लगभग 60,000 रुपया। तो ये अशोक कुमार जी एक मजदूर आ, लेबरर आ, घर के हालात बिल्कुल माड़े आ, तो ये 60,000 रुपया नहीं दे सकते। सो यदी बेचारी की डिग्री तो डिटेल मार्क्स शीट जी रुकी हुई है, उस तो बगैर कितने भी होर हायर स्टडी वास्ते अप्लाई नहीं कर सकती, ना ये कितने कनेडा स्टडी वास्ते अप्लाई कर सकती है, ना कोई नौकरी वास्ते कितने अप्लाई कर सकती, क्योंकि ये हाथ में डिटेल मार्क्स ही हैं कि डिग्री नहीं। सो वो अज बेनती लैके असी डी सी साहब को गया सी, मैं तो लिखित तौर पर डी साहब ने दिता है कि इस कॉलेज के कोलो प्राइवेट कॉलेज के कोलो डिग्री तो डी एम सी जी दवाई जाए। इस तरह ही बहुत सारे बच्चे आते हैं, जिन्हें बच्चे भी आते हैं मेरे को, मैं तो इस तरह जां कॉलेज वालों नूं बेनती करके जां एडमिनिस्ट्रेशन नूं बेनती करके दवा रहे हैं, लेकिन सरकार नूं चाहिदा है ना कि सारे प्राइवेट कॉलेजों की फीस दे दे। 309 करोड़ रुपया अज भी इन्हां दे कोल पिया है, वो जे 309 करोड़ ही कॉलेज नूं जारी कर दिता जाए तो इहो जे बच्चों दी सारिआं दी डिग्रियां जिहड़ियां वो मिल सकदियां। तीनों ही इदा के कई बच्चे है कि सड़क के धरने से भी बैठे हुए हैं, हाले तक सरकारी कॉलेजों वालों ना डिग्रियां दी जा रही है ना बच्चों के रोल नंबर दिए जा रहे, सिर ते अगो बच्चों के पेपर आ गए है। देखो सरकार की इन्हों बच्चों प्रति बेध्यानी है, बेपरवाही है, इस करके ना गरीब बच्चों बहुत वड्डा खिलवाड़ हो रहा, तो सरकार समस्या ही नहीं, वह कहते कोई गल नहीं। सो ये बच्चे बेचारे गरीब, देखो गरीब परिवार वास्ते एजुकेशन ही सब तो बड़ी चीज़ होंगी है, तो जे एजुकेशन ही खोली तो जे एजुकेशन प्राप्त कर ली औखे सौखे उन्होंने डिग्री नहीं मिली तो बच्चा अगे की करूँगा, प्राइवेट भी कितने जॉब नहीं कर सकता। तीनों जी एक पोस्ट मैट्रिक का कड़ा घोटाला से बारे की जांच की गई है? देखो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के घोटाले 64 करोड़ रुपया तो साधु सिंह धर्मसोत का सारा सामने आ गया भी उन्हें घपला किया, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने क्योंकि बचण वास्ते उन्होंने क्लीन चिट देती है, हुण सानू इस गल का भी अफसोस है, तो चलो कैप्टन ने तो जो चंद चाढ़ने से चाढ़ दिते, उन्हें अपने वजीर बचा लिया, तो यहोजे हज़ार बच्चों की पढ़ाई का खराबा कर लिया, पर अफसोस इस गल का भी है भी केंद्र सरकार ने भी कुछ नहीं किया। असी केंद्र के वजीर अज तो 6 महीने पहले मिल के आए थे भी ये उत्ते CBI जाँच कराओ, तो CBI जाँच की असी मंग की, उन्होंने केंद्र ने टाल दिती, हले तक नहीं ऐलान किया CBI जांच की, तो हुण पंजाब की सरकार ने मता नोटिफिकेशन पाता भी CBI किसी भी मामले इत्थे पंजाब च जिहड़ी इन्वेस्टिगेशन ही नहीं कर सकती। इहदा मतलब सिर्फ धर्मसोत नूं बचाउण लई कि CBI पंजाब च ना आवे तो यह नोटिफिकेशन करता कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने। सो यह सरासर बेइंसाफी आ भी इन्हां बच्चों की एजुकेशन दा खराबा करन लई, इन्हां दे भविख नूं खराब करन लई इत्थे कोई एजेंसी आण के ये आप लुट्टी जाण, ये बच्चों का पैसा खाई जाए सरकार जिहड़ा केंद्र चवाया आ,
तो पल्यों कुछ दवे ना तो कोई आण के इन की चैकिंग भी ना करे, ये किन्ने अफसोस की गल है। ये भी मैं कहना चाहना कि पिछले चार साल 2400 करोड़ रुपया पंजाब सरकार ने बजट रखा सी इन बच्चों की फीस वास्ते पढ़ाई वास्ते, उहदे विच्चों 24 रुपये भी अज तक इन्होंने जारी नहीं किए किसी कॉलेज नूं किसी बच्चे नूं। ये हालात है इस वेले पंजाब स्टेट में, तो मुख्यमंत्री जी ना उन्होंने कोई मंत्री ध्यान नहीं दे रहे, वो कहिंदे लुट लो स्टेट नूं, सूबे का लुट लुट के करप्शन का इस वेले इन्ना हालात माड़े आ, प्राइवेट जॉबां लोगों दीआं छुट गईआं सारीआं करोना वायरस करके, तो कोई किधर नूं जावे। जलंधर तों रवि गिल दी रिपोर्ट। फगवाड़े सिंह ट्रॉनिक ने मोबाइलों की दुनिया विच कीता धमाका, कोई भी नवा फोन खरीदो ते नाल ले जाओ दूजा फोन फ्री, इत्थे ऑनलाइन नालों भी मिल रहे ने सस्ते फोन, सांझ टीवी दे दर्शकां लई निकलणगे कई वड्डे नाम, नाल ही सैकेंड हैंड फोन खरीदो ते पसंद ना आउण ते 7 दिनां विच वापस करके नवा लै जाओ। ग्राहक का समा बचाते हुए सिर्फ एक घंटे के अंदर अंदर की जाती है मोबाइल की रिपेयर, फिर देर किस गल दी, आज ही पहुंचो सिंह ट्रॉनिक मोबाइल गैजेट्स एंड मोर गुरु हरगोविंद नगर फगवाड़ा। वधेरे जानकारी लिए संपर्क करो 98141 0824 98552 22000।